विधान परिषद के नागपुर स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में कांग्रेस में बीते चार दिनों से जारी पॉलिटिकल ड्रामा का आज पर्दा खुल गया। कांग्रेस ने भाजपा से आयातित नगर सेवक रविंद्र भोयर को उम्मीदवारी दी थी, लेकिन मतदान की पूर्व संध्या को कांग्रेस ने उम्मीदवार ही बदल दिया। गुरुवार शाम को प्रदेश कांग्रेस की ओर से पत्र जारी कर भोयर के बजाय निर्दलीय उम्मीदवार मंगेश देशमुख को समर्थन देने की घोषणा की गई। खास बात यह रही कि रविंद्र भोयर द्वारा लड़ने के लिए असमर्थता जताए जाने का कारण प्रदेश कांग्रेस द्वारा जारी पत्र में दिया गया, जबकि छोटू भोयर ने स्पष्ट किया कि उन्होंने असमर्थता नहीं जताई है, लेकिन उन्हें पार्टी का निर्णय स्वीकार है। भाजपा ने पूर्व ऊर्जा मंत्री व प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर बावनकुए को मैदान में उतारा है। हाईकमांड की नाराजगी के चलते एन समय पर कामठी विधानसभा क्षेत्र की टिकट कटने के बाद यह चुनाव उनके राजकीय पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुल 559 मतदाता वाले इस चुनाव में भाजपा के पास 325 से अधिक खुद के वोट होने से उनका पलड़ा भारी है। बावनकुले को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने संघ परिवार से जुड़े भाजपा के नगर सेवक रविंद्र भोयर को आयात कर उन्हें उम्मीदवारी दी थी। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया था कि भोयर पावरफुल नेता है और उन्हें भाजपा के असंतुष्ट मतदाताओं का साथ मिलेगा और वे चमत्कार करेंगे, लेकिन 7 दिन में ही कांग्रेस नेताओं को भोयर का पावर पता चल गया। भोयर मतदाताओं को खुश करने और उनसे संपर्क बनाने में असफल रहे। इससे क्रीड़ा मंत्री सुनील केदार नाराज हो गए। उन्होंने भोयर की उम्मीदवारी बदलने की भूमिका अपनाई। पालक मंत्री नितिन राउत ने भी उनका समर्थन किया। केदार ने चुनाव के सभी सूत्र अपने हाथ में लेकर कांग्रेस के सभी नेताओं की बैठक ली और भोयर के स्थान पर निर्दलीय उम्मीदवार मंगेश देशमुख को अधिकृत रूप से समर्थन देने का प्रस्ताव इन नेताओं ने सर्वसम्मति से प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले को भेजा। बुधवार को यह प्रस्ताव प्रदेश कांग्रेस की ओर से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में भेजा गया। केदार ने महाराष्ट्र प्रभारी HK पाटिल से संपर्क कर उन्हें भी मना लिया। आखिर में मतदान के कुछ घंटे पहले गुरुवार शाम 7 बजे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष मोहन जोशी के हस्ताक्षर का पत्र जारी कर भोयर के बजाय निर्दलीय उम्मीदवार मंगेश देशमुख को समर्थन देने की घोषणा की। देर रात कांग्रेस की शहर के एक होटल में बैठक हुई, जिसमें रविंद्र भोयर ने अपना पक्ष रखते हुए कांग्रेस के साथ बने रहने का संकल्प दोहराया। स्थानिक स्वराज्य संस्थेची आहे, जमिनीवरच्या कार्यकर्त्यांची निवडणूक आहे आणि ही निवडणूक लढत असताना या निवडणुकीतील अनेक कंगोरे असतात, त्याचं अध्ययन करावं लागते। काँग्रेस पक्षानं यावेळेला श्रीयुत नाना पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि माननीय नामदार श्री सुनील केदार यांच्या नेतृत्वाखाली ही निवडणूक संयुक्तपणे संपूर्ण ताकदीनिशी लढण्याचा संकल्प या ठिकाणी केलेला आहे। तुम्हाला उद्या जेव्हा मतदान संपेल तेव्हा लक्षात येईल की निवडणूक अत्यंत रोमांचक झाली आणि स्पर्धात्मक पण झालेली आहे असं दिसेल। मला या ठिकाणी सांगावंसं वाटतं की काँग्रेस पक्षाचा विजय हा सुनिश्चित झालेला आहे। मला वाटते नामुष्कीचा प्रश्न नाही, पक्षाने काही विचार करूनच निर्णय घेतला असेल। ज्या अर्थी पक्षाला उमेदवार लढवून कोणती निवडणूक जिंकायची असते आणि जिंकणारा उमेदवार कोण याच्यातही खेळी असते। जसं पहिल्यांदा भाजपाचा उमेदवार दिला आणि याच्या सिम्बॉलवर मतदान नाही आहे, तर ही संधी होती की आपल्याला जो उमेदवार चांगला वाटला आणि पुन्हा एक काँग्रेस विचारधारेचा उमेदवार दिलेला आहे। आणि मला वाटते की जे भाजपाचे उमेदवार आलेले होते आमचे छोटू भोयर यांच्या संमतीने झालेलं आहे आणि म्हणून मला असं वाटतं याच्यात गैर असं काही नाही। 17 दिवसांपूर्वी मी काँग्रेस पक्षात जॉईन झालो होतो, त्यावेळेस काँग्रेस पक्षाला जर असं वाटलं होतं की छोटू भोयर ही निवडणूक जिंकू शकतो आणि त्या आधारावर त्यांनी जर मला तिकीट दिलं असेल आणि कोणत्याही हालतीत भारतीय जनता पार्टीचा पराभव करण्याच्या दृष्टीने जर त्यांना 9 तारखेला असं वाटत असेल की ही निवडणूक छोटू भोयर जिंकू शकणार नाही